वेलकम वंस अगेन इन रामनीर क्लासेस। प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र फर्स्ट असेसमेंट का टेस्ट पेपर आ गया है। क्लास नाइन्थ की इंग्लिश है। यहाँ पर डेट लिखनी है, यहाँ टोटल मार्क्स यहाँ 20 है। फिर यहाँ पर आपका नाम लिखना है, यहाँ स्कूल नेम लिखना है और निर्देश वही सेम है, बार बार रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको ब्रैकेट में अपना आंसर लिखना है, ए बी सी डी में से जो भी सही हो वहाँ यहाँ पर ब्रैकेट में आपको इसका उत्तर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर एक है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। दीज सीजर्स आर डैश डैश हैवी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ फुल। दूसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। द लिटिल गर्ल लुक्ड, यहाँ आएगा सोरोफुली एट हर टेक्स्ट बुक टोन इन हाफ। थर्ड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। हर लाइफ चेंज डैश व्हेन शी वॉन द लॉटरी। उसकी लाइफ बदल गई जब उसको लॉटरी जीती। तो यहाँ पर आएगा लाइफ कैसे बदली, कम्प्लीटली ही इज लाइफ चेंज कम्प्लीटली वैन ही शी वॉन द लॉटरी। सी सही हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब। क्वेश्चन नंबर फोर है, ही डैश स्कूप्ड द मनी अप फ्रॉम द डेस्क बिफोर एनीवन नोटिस्ड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा क्विकली, बी सही हो जाएगा। पांचवा देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। डैश यू हैड ईटन अ गुड ब्रेकफास्ट, यू वुडंट बी सो हंग्री नाउ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इफ। सिक्स क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली। डैश यू आंसर ऑल द माई क्वेश्चन, ऑल माई क्वेश्चन आई कांट डू एनीथिंग टू हेल्प यू। सिक्स का आंसर हो जाएगा अनलेस। सेवन्थ है, सेवन क्वेश्चन देखिए, इवेलन ग्लेन्स लॉस ऑफ हियरिंग्स हैड बीन ग्रेजुअल, व्हाट डज ग्रेजुअल मीन। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्लो। एट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, एट क्वेश्चन का आंसर होगा सी हाइट। नेक्स्ट देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, यहाँ पर इसका मीनिंग पूछा है नाइन्थ क्वेश्चन में। तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, फॉलन। तो टेंथ क्वेश्चन देखिए, द रेस्ट वाज शीयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क शी डज शीयर मीन्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर हो जाएगा टोटल। अब देखिए इलेवन क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द थ्री ईयर कोर्स शी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, व्हाट डज कैप्चर मीन। कैप्चर यहाँ पर आ जाएगा जीते हैं, तो वॉन हो जाएगा ए। फिर ट्वेल्थ क्वेश्चन है, ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर थर्टीन में चलते हैं, थर्टीन में यहाँ पर फिर इन द ब्लैंक्स या एडजेक्टिव से भरना है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंडिस्पेंसेबल। फोर्टीन क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव या एडजेक्टिव चूज करना है, तो यहाँ पर आएगा हाईली इम्प्रेस्ड, सी सही हो जाएगा। फिर है पंद्रहवा, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव, यहाँ पर भी एडजेक्टिव देखना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एश्योर, वी कैन एश्योर यू ऑफ आवर फुल सपोर्ट। फिर सिक्सटीन क्वेश्चन देखिए, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव, ऑल दैट डैश वर्क हैड मैंट बाय हिम वेरी मस्कुलर। सोलहवें प्रश्न का आंसर हो जाएगा आउटडोर, सी सही हो जाएगा। सत्रहवा है, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव, द प्रोफेसर वाज ऑलवेज अवेलेबल टू गिव हिम एडवाइस। तो एडवाइस क्या हो जाएगी, पैटर्नल, है ना, बी सही हो जाएगा। फिर 18वां प्रश्न देखिए, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव, दिस एंटिक्स पेंटिंग आर। तो एडजेक्टिव देखना है, तो प्राइसलेस हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 19 क्वेश्चन, वेयर डिड मार्की गो, इसका उत्तर हो जाएगा स्कूल रूम। लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसकी टीचर का नाम पूछा है, मैकेनिकल टीचर, ए सही हो जाएगा। तो 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने बता दिए है इस वीडियो में, प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 9 इंग्लिश का। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।